हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी चार्ट पे कैसा दिखता है, यानी कि निफ्टी पे चार्ट पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन कंफर्म कर दिया है या नहीं, यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी या फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि ट्रिपल टॉप निफ्टी ने बना लिया है और यहाँ से एक डाउनसाइड देखने को मिलेगी। अगर उस वक्त निफ्टी का लेवल चल रहा था 17,500 के लगभग, अगर वहां से किसी ने वो वीडियो देख के पोजीशन बनाई होती तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, वहां से ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी पे ट्रिपल टॉप का कन्फर्मेशन हुआ या नहीं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी अपना पहले टॉप बनाने के बाद तो देखिए दूसरा टॉप बनाया और उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा, और अगर छोटा करते हैं इसको चार्ट को, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये तीन टॉप बनाए हैं और जो पहला टॉप बना दूसरा टॉप उसके नीचे बना। देखिए ये पहला टॉप बना, फिर नीचे की तरफ आई, यहाँ पर ये बॉटम बना, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये दूसरा वाला जो टॉप है वो पहले टॉप के नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर से निफ्टी में गिरावट आई और ये जो दूसरे नंबर का बॉटम बना वो पहले बॉटम के भी नीचे है। इसको कहते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो इस तरह से फिर ये तीसरा टॉप बना और उससे भी फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है अभी। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि एक तरह से डबल टॉप नहीं बल्कि ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी के डेली चार्ट पे है। और अगर ये गिरावट यहाँ पे अभी करंट लेवल चल रहा है उसी के आसपास, पहले का जो बॉटम था वहीं अभी करंट लेवल पे चल रही निफ्टी, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है इनकेस आने वाले एक दो दिन में और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है रेगुलरली दो तीन दिन, तो ये निफ्टी के लिए बहुत इन्वेस्टर के लिए बहुत बेकार होगा एक तरह से कहा जाए तो। ये बुरा संकेत रहेगा क्योंकि RSI पे भी जैसा नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे RSI इंडिकेटर है, इस पर भी ये 40 के नीचे फिसल चुका है। ये भी एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो अगर ये करंट लेवल के आसपास या 15,600 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है और कंटिन्यूसली एक दो दिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से फर्दर और डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी के ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,000 के लेवल तक ले जा सकती है। अगर यहाँ से 500-600 पॉइंट की गिरावट और होगी, अगर यहाँ से निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज हुई तो 15,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और 14,900 या 15,000 पर कहीं जाके सपोर्ट मिलेगा अगर ये 15,600 को भी ब्रेक कर देता है। तो आने वाले एक दो दिन देखने वाले होंगे कि 15,600 को ये ब्रेक करता है या नहीं। जैसे ही अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रिपल टॉप कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से आने वाले कुछ समय में 5 से लेकर 10% तक की फर्दर गिरावट और देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को पहला हमने बताया 15,000 और दूसरा इन लेवलों के आसपास, ये देखिए इसमें जो दिखाई दे रहा है 14,300 तक जा सकती है। तो आने वाले एक टू दो ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसी से डिसाइड होगा कि अगर यहाँ से वापस होता है या फिर और इसमें गिरावट गहराती है, क्योंकि RSI पे भी लगातार 40 के नीचे चल रहा है। अगर इसमें हम कोई ट्रेंड इंडिकेटर देखें सुपर ट्रेंड, तो देखो क्लियर कट विजिबल है कि जब तक निफ्टी ये जो लेवल है 16,780 यानी 16,800 के ऊपर नहीं है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। तो 16,500 से 16,700 के लेवल में जब भी मिलेगी तो वहाँ से एक सेल पोजीशन फिर से बनाएंगे निफ्टी में, जिसके टारगेट नीचे में 15,000 और उसके बाद 14,300 तक देखने को मिल सकते हैं अगर ये 15,600 का लेवल ब्रेक करती है। तो ये था हमारा आज निफ्टी का डेली चार्ट। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है तथा कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।